हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा मोहन ब्लॉग। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस पे। तो दोस्तों, यहाँ का एक टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ फॉर इंडियंस। तो आप जितने आदमी होंगे उसके अनुसार 20 रुपये के मल्टीपल में आपको जो है टिकट बाय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की सबसे ख़राब बात यह है कि यहाँ जो टिकट है वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन ही वो स्कैन करके करना पड़ता है। वो भी कभी होता है, कभी 4 बार में होगा, कभी 5 बार में होगा। तो ये थोड़ा दिक्कत है। और ये अंदर पहुंचने के बाद का ये दृश्य है, तो आप लोग देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा है। और यहाँ मेरी बेटी चल रही है एकदम बिल्कुल, और फिर बोलती है कि अब हाथ पकड़ के मुझे नहीं चलना, मुझे हाथ छोड़ के चलना है, खुद से ही चलना है। तो पूरा लुत्फ उठा रही है घूमने का, दौड़ भी रही है बीच बीच में मेरी गुड़िया रानी। धीरे धीरे आओ बेटा, और इंजॉय कर रही है इस ट्रिप को। और ये जब आप किला के अंदर आ जाएंगे तो ये उसका दृश्य है। मेंटेनेंस ठीक ठाक है, अच्छा है। और एक दो कपल्स मुझे आउटसाइड इंडिया के दिखे, बाकी सभी लोग इंडिया के ही थे। और मेनली चिल्ड्रेंस का, मतलब बच्चों का जमावड़ा ज़्यादा था, क्योंकि सैटरडे का दिन था और दिसंबर का महीना है। तो बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए, या आप कह सकते हैं विजिट प्लान करते हैं स्कूल के तरफ से मैसूर घूमने का। और ये जब आप इंटर करोगे टीपू सुल्तान समर पैलेस में, तो उसके अंदर का ये नज़ारा है। एक्चुअली ये आपको मैं महल का जो है वॉल्स को दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा डैमेज्ड है, हर जगह बोर्ड टंगा हुआ है कि डू नॉट टच वॉल्स और डू नॉट स्टैंड नियर टू वॉल्स। तो आप लोग मतलब वॉल को टच ना करें और ज़्यादा वॉल पे मतलब अपना भार नहीं डालें, नहीं तो मतलब बहुत ही कमज़ोर वॉल है, बहुत पुराना हो चुका है एक्चुअली में। और ये यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लगे हुए हैं, साथ ही बहुत सारे मेडल लगे हुए हैं, जो कि आप सबके नीचे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं इस ये कौन है और या फिर ये क्या है। अकॉर्डिंगली उसके बारे में पूरा हिस्ट्री बताया गया है। साथ ही अंदर में फोटोग्राफी मना था, फिर भी मैंने चुपके से ट्राई किया आप लोगों के लिए कि आप लोग को दिखा सकूं अंदर का व्यू कैसा है और अंदर में क्या क्या है। बट बार बार गार्ड और जो वहाँ के देख रेख मैनेजमेंट के लोग थे, वो लोग बार बार किसी को भी कैमरा पकड़े हुए देखते थे या किसी को रिकॉर्डिंग करते हुए देखते थे, तो वो बार बार उन्हें मना करते थे। साथ ही सेल्फी लेना भी यहाँ पे मना है, मीन्स आप 20 रुपया दो, सिर्फ जाके आँखों से ही देख लो, ना आप फोटोग्राफी कर सकते हो ना ही है आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। और फिर हम लोग टीपू सुल्तान समर पैलेस से अब निकल चुके हैं चामुंडी हिल्स की तरफ, जहाँ की माता चामुंडेश्वरी का मंदिर है। तो हम लोग उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो एक्चुअली एक पॉपुलर डिवाइन हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि चामुंडा हिल्स है और उसी के ऊपर जो है मंदिर बना हुआ है। और ये आपको दिखा रहा हूँ जो कि रास्ते का है फ्रॉम टीपू सुल्तान पैलेस टू चामुंडा हिल्स। और साथ में आपको शीशे पर ओम, जो कि जिस कार को हम लोगों ने रिजर्व किया है उसके शीशे पे लिखा हुआ है, इसलिए आपको वीडियो में ज़्यादातर जगह पे ओम का सिंबल नज़र आ रहा है। और ये सिटी बहुत ही अच्छा मुझे लगा विजिट करने में, मतलब कि सारा कुछ अच्छा था। ठीक है दोस्तों,